बिहार चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की इसमें एंट्री होने जा रही है। तीन जगहों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 28 नवंबर को बिहार विधानसभा में पहले चरण का मतदान होना है, ऐसे में लेकर सियासी जो माहौल है वो गर्मा चुका है। तीन जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में ये महारैली है, जहां पर आज बिहार की जनता से सीधा संपर्क करते हुए उन्हें संबोधित करेंगे। मित्रों की धरती पर हाथ बहाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सियासत का मंच बिहार में सज चुका है, सभी सियासी योद्धा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बिहार में एनडीए की जीत का दारोमदार पीएम नरेंद्र मोदी के कंधों पर। सियासी दलों को पता है कि इस बार चुनावी नैया को पार कराना आसान नहीं, लिहाजा बीजेपी को भी दरकार है ऐसे बड़े चेहरे की जो बिहार में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर कर सके और सूबे में एनडीए का परचम लहरा सके। बीजेपी के लिए पीएम मोदी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर इस खोज का अंत होता है। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और कैसे कैसे निर्णय करते थे, किस किस प्रकार से देश के अंदर घोटाले होते थे, कोई जगह बची थी जो घोटालों से मुक्त रही हो। बिहार चुनाव में आज से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ बिहार में आज तीन जगह रैली करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी 8 बजे लखनऊ से बिहार के लिए रवाना होंगे, फिर 12 बजे कैमूर में पहली रैली करेंगे योगी आदित्यनाथ, दूसरी रैली दोपहर 2 बजे अरवल में और तीसरी रैली 3:15 बजे के करीब रोहतास के विक्रमगंज में करेंगे। अब आपको बताते हैं कि कैमूर जिले का सियासी समीकरण, जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैमूर जिले में 4 विधानसभा सीटें, भभुआ, चैनपुर, मोहनिया और रामगढ़। 2015 विधानसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। योगी आदित्यनाथ की दूसरी रैली अरवल में होने जा रही है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। अब जरा रोहतास जिले के सियासी समीकरण को भी समझ लीजिए, जहां योगी आदित्यनाथ की तीसरी रैली होनी। धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, चिनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, देहरी और काराकाट। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच। 2015 विधानसभा चुनाव में यहां की कुल 7 सीटों में से 5 सीटों पर आरजेडी ने जीत का परचम लहराया, जबकि चिनारी से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और करगहर से जेडीयू उम्मीदवार की जीत हुई थी। रोहतास जिले के 7 सीटों पर योगी आदित्यनाथ की चुनावी प्रचार का जादू चलेगा या नहीं, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन गठबंधन की जीत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बिहार चुनाव में आने वाले दिनों में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। बिहार दौरे पर आने वाले योगी आदित्यनाथ 6 दिनों में 18 रैलियां करने वाले हैं। औसतन योगी की बिहार में एक दिन में 3 जगहों पर जनसभाएं होंगी। 21 अक्टूबर को भी योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 21 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ जमुई में बीजेपी उम्मीदवार और बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल सिंह की बेटी श्रेयसी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ भोजपुर के तरारी में रैली करेंगे। फिर बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार योगी आदित्यनाथ राजधानी पटना के पालीगंज विधानसभा सीट में जनसभा करेंगे। जाहिर है पीएम मोदी के बाद स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी की पहली पसंद है योगी आदित्यनाथ, और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सीएम योगी के चुनाव प्रचार ने बीजेपी को ताकतवर बनाया था, और यही वजह है कि बिहार चुनाव में योगी की डिमांड सबसे हाई। टीम न्यूज़ नेशन।